बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध पुलिस कांस्टेबल की बहुत बड़ी भर्ती जो है वो आ चुकी है और उसकी ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। आज मैं आपको मोबाइल पर मुकम्मल ऑनलाइन करने का तरीका समझाऊंगा। इंशाल्लाह आप ख़ुद ही अपनी अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। वीडियो से जुड़े रहे ताकि आप मुकम्मल आगाही हासिल करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप जो है वो किसी भी क्रोम ब्राउज़र में जाएँगे तो आप टाइप करेंगे जो मेरा पहले से टाइप है, STS पोर्टल, ठीक है। तो आप इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने STS कैंडिडेट पोर्टल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, जिससे कि आप देख रहे हैं। एक जगह आपने CNIC लिखना है और दूसरे नंबर पर पासवर्ड। ये उन लोगों के लिए होता है जिनका अकाउंट पहले से बना होता है। तो जिनका STS पर अकाउंट नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो स्क्रॉल करेंगे और यहाँ जाएंगे क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ आकर वो अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। ऊपर आप देख रहे हैं फुल नेम, यहाँ अपना नाम मेंशन करें। CNIC नंबर, यहाँ अपना ID कार्ड नंबर मेंशन करें। इसके बाद मोबाइल नंबर मेंशन करें। उसके बाद ईमेल एड्रेस, ये छोड़ दें, खैर ये ऑप्शन वाला, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पसंदीदा डिजिट जो है 7 नंबर वाला एक पासवर्ड जो है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो आपको याद हो, क्योंकि आप लॉगिन होने के लिए वही पासवर्ड इस्तेमाल करेंगे। चूँकि मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं ये नहीं करूँगा। फिर आप जो है यहाँ सेंड जो है, यहाँ मतलब जब आप मुकम्मल कर लेंगे पासवर्ड तो सेंड OTP, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको उसी नंबर पर जो है वो SMS आएगा, जो कि आपने ऊपर यहाँ मेंशन किया होगा, ठीक है। तो जैसे ही कोड आएगा, वो कोड जो है आप OTP कोड वहाँ यहाँ मेंशन करेंगे नीचे, और यहाँ आप देख रहे हैं क्रिएट एन अकाउंट, इस पर जो है वो क्लिक कर देंगे। तो इस तरह जो है आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। तो हम पीछे की तरफ जाते हैं लॉगिन होने के लिए, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो हम जो मेरा अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, तो मैं वहाँ से जो है डायरेक्टली लॉगिन हो रहा हूँ। तो लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह का जो है इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपको लास्ट डेट जो है वो 23 अप्रैल है। आपने क्या करना है, आपने व्यू पोस्ट पर क्लिक करना है अप्लाई के लिए, ठीक है। व्यू पोस्ट पर जाने के बाद आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए। चलान है आपका 1500। आपने क्या करना है कि अप्लाई नो पर जाना है, ठीक है। अप्लाई नो पर जाने के बाद आप देख सकते हैं मेरा नाम भी आ गया है। तो आप ये यहाँ देख लें, आपने बिल्कुल जो जिसका फेस बिल्कुल सामने है, इस तरह आपने पिक्चर बनानी है, और पिक्चर आपकी क्या हो कि 1 MB के बराबर हो, ठीक है। और फीमेल जो है वो अपनी तस्वीर अगर बनाए बनी हुई हो तो उनके हिजाब के बगैर तस्वीर हो, ठीक है, ताकि आपके टेस्ट, तहरीरी टेस्ट और ये फिज़िकल टेस्ट के लिए कोई मसले मसाइल पैदा ना हो, ठीक है। आपने स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ। स्क्रॉल करने के बाद आप फिर पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देंगे, ठीक है। यहाँ जो है अपना फुल नेम लिखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ दूसरे नंबर पर आप आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर देंगे। आईडी कार्ड के बाद मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर के बाद आप ईमेल एड्रेस देंगे। ईमेल एड्रेस ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप जो है फादर नेम मेंशन करेंगे। फादर नेम के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए आप साइट पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आप जो है यहाँ अपना डेट जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया। यहाँ आपने जेंडर लिखना है, मेल या फीमेल, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ रिलीजन लिखना है। रिलीजन लिखने के बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपने यहाँ यस करना है, अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है। अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई होंगे तो नीचे आपने ये वाले खाने फुल करने, अगर नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल लिखनी है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ अपनी तहसील लिखनी है कि कौन सी तहसील के हैं। यहाँ आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है, जिस पोस्ट पर आपको जो है रोल नंबर स्लिप पहुँचे या कोई डाक वगैरह पहुँचे, ठीक है। यहाँ नीचे आपने अपना जो है वो अपना परमानेंट एड्रेस, जो आपका घर का एड्रेस है, वो आपने लिखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा मैट्रिक इन्फॉर्मेशन कि आपने किस बोर्ड से मैट्रिक की है, तो यहाँ आप वो मेंशन करेंगे। नीचे आपने ईयर ऑफ पासिंग लिखना है कि आपने कौन से साल जो है वो मैट्रिक की है, ठीक है।
उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने ये बताना है कि आपकी मार्क्स कितने परसेंटेज में है, वो भी बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये मुकम्मल कर लेंगे मार्क्स परसेंटेज, ठीक है, ये लिख देंगे तो आपने सबमिट फॉर्म नहीं करना है, ठीक है ना। आपने फिर नीचे की तरफ जाना है। जैसे नीचे जाएंगे तो आपको मैं यहाँ बावर कराता जाऊँ कि आपने क्या करना है कि अपने अपनी एक तस्वीर जो है ऑलरेडी जो है वो पिक्चर अपने फ़ोन मेमोरी में सेफ रखनी है। उससे पहले आपने इसके अलावा आपने शनाख्ती कार्ड की दोनों साइड की पिक्चर भी जो है वो खींच के रखनी है, और इसके अलावा डोमिसाइल की भी आपने एक पिक्चर जो है फ्रंट साइड से खींच के रखनी है। इसके अलावा अपनी मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है DMC है उसकी भी पिक्चर आपने खींच के रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आप अपने अपनी जो है 1 MB के बराबर जो एक अपनी पिक्चर होगी फर्स्ट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आपको अपलोड का एक नीले कलर का ये जो है मुस्ततील नुमा नज़र आ रहा है, इस पर आपने करना है अपलोड। और जैसे अपलोड आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप जो है वो फोन मेमोरी में चले जाएंगे, तो वहाँ आप जो है सेलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर देंगे। दूसरे नंबर पर आपने जो है आपने CNIC की फ्रंट साइड, ठीक है, ये आपको येलो कलर के जो लाइन में नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपने CNIC बैक पर, ठीक है ना, ये आपने देखना है कि आप CNIC बैक साइड आपने उसकी यहाँ अपलोड करनी है। उसके बाद आपने डोमिसाइल की फ्रंट साइड जो है वो अपलोड करनी है, और उसके बाद मैट्रिक की DMC जो है उसकी अपलोड, इसकी ये चारों जो हैं पांचों ये पिक्चर अपलोड करने के बाद फिर आप ऊपर की तरफ आओगे। ऊपर की तरफ आने के बाद जो है फिर आप ये सबमिट फॉर्म पर जो है क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपकी अप्लाई जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी अप्लाई मुकम्मल हो जाएगी और आपके पास जो है एक चालान जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही वो आप डाउनलोड करेंगे तो वो चालान जो है आप डाउनलोड कर लेंगे और किसी भी कंपोजिंग वाली दुकान से वो प्रिंट निकाल लेंगे, और प्रिंट निकाल कर जो भी बैंक होगा तो आप उसके ज़रिए से फ़ीस अपनी अदा कर सकेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हमारी ये काविज पसंद होगी। अगर आप पुलिस कॉन्स्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ज़रिए आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और तैयारी के हवाले से इंशाल्लाह आपके साथ मटीरियल भी शेयर किया जाएगा और आपकी भरपूर तैयारी करवाई जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, वसलाम, अल्लाह हाफिज़।